Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. सबसे पहले आप सबको ईद उल अज़हा की गहराई से आप लोग सबको मुबारकबाद देता हूं। इसके साथ-साथ में हमारे अफसूसी के मौके पर हमारे कर्नाटक के वजीर हमारे चाहते जनाब सिद्धरमैया सर भी आए हुए हैं। आप सब की तरफ से मैं उनको धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। आपको ये जानना चाहिए जो सिद्धरमैया वजीर आना बनने के बाद पिछली बार जो रमजान ईद की नमाज थी उससे के इलेक्शन के कोटा पॉइंट होने की वजह से उन्होंने नमाज हुई कि कुछ अंदर पे नहीं आ सके। उनको मैंने कुछ दावत नमाज लिया इस बार उनको सामने से चल के जय बार पिछली बार मैं नहीं आया था रमजान बकरी ईद के लिए मैं इस बार आना चाहता हूँ। आप कन्फर्म कर दो के सामने से कोई चीफ मिनिस्टर वजीर बोल गया बोले तो सिवे सिद्धराम के मेरे ख्याल से कोई है ही नहीं रहता। मैं तमाम की क्या किससे हमारे सिद्धरमैया साहब का दोबारा दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ में हमारे बीबीएमबी के तमाम अधिकारी करेगा खासकर ये ईद का मैदान जो लगातार 3-4 दिन से लेके ईद का मैदान जो तैयार किए हमारे बीबीएमबी के ऑफिसर और उसके साथ में हमारे एस कॉरपोरेटर चंद्रशेखर साहब का और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का तमाम का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए आवाम से भी गाजियाना गुजारिश करते हुए खासकर कुर्बानी के बाद सरकार सफाई का की क्लीन और सफाई का ख्याल रखे करके दुआ की दरख्वास्त करते हुए और एक बार दोबारा हमारे सिद्धरमैया जी का ज्यादा बात करते हुए हमारे वजीर आला सिद्धरमैया साहब को दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह उनकी सेहत फरमाए करके उनको ये करते हुए अल्लाह उनको और जो मुसलमान के ऊपर जो चाहत रखे और मुसलमान के चाहत अल्लाह बढ़ा के दे करके अल्लाह से दुआ करते हुए मैं आजीज वो सब नहीं बोलते ये सब अल्लाह से गुजारिश करते हुए अल्लाह और उनको अपना चाहे से तो चाह रहे हो मुसलमानों को ले तो मुसलमानों को दिल से उनकी चाहत है अल्लाह और उनको चाह देना मुसलमान के साथ साथ में हर कौम को साथ में लेके जाते हैं। हमारे वजीर आला सिद्धरमैया के पास एक जात करके हर तबके को कोई साथ में लेके जाता कोई मुख्यमंत्री है कोई चीफ मिनिस्टर है तो वो सिवे सिद्धरमैया के ना ही कर्नाटक के अंदर ही पूरे हिंदुस्तान के साथ कोई ऐसा सेक्युलर मुख्यमंत्री वजीर आला जो हर कौम को जो साथ में लेके जाता मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ।